हाँ जी ते सत श्री अकाल जी, आस है कि तुसी सारे चढ़दी कला विच होवोगे। दोस्तों कल टिकरी अते सिंघू बार्डर ते जो कुछ भी होया किसी तो भी नहीं लुकिया, पर इसे विचाले एक वीर दी तस्वीर सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रही है, जिन्हां बारे कुछ जानकारी तुहाडे नाल सांझा कर रहे हाँ। दोस्तों इस वीर दा नाम जग्गी सिंह है अते एह पंधेर पिंड बरनाला दा रहण वाला है। हालांकि इस दी कोई भी जमीन नहीं है, फिर भी पहले दिन तो ही लंगर दी सेवा कर रहा है। ए सिंह पिंड पंधेर बरनाला तो है, जिसका नाम जगसीर सिंह है, पर हर बच्चा बुढ़ा माई भाई इसनू जग्गी बाबा ही कहिंदा है। बाबा जग्गी 26 नवंबर तो ही धरने उपर अपनी जिम्मेवारी संभाल बैठा है। रोजाना सवेरे शाम दा लंगर बनाउणा अते छकाउणा नेम करना है। पहले दिन तो ही संगत आउंदी जांदी रहिंदी है, पर इस सिंह ने दिल्ली तो वापस वल कदे नहीं तकिया अते बोल भी हमेशा चढ़दी कला वाले ही रहे हन कि जित के जावांगे अते जित यकीनी ही होनी है, फिर ही वापस जाना है। जेकर ए अंदोलन शुरू होण तो पहला ही जीवन की गल करिए, बाबा जी पिछले 8 to 9 साल तो निष्काम सेवक हन। पहला कुछ समा अपने घरेलू जीवन विच रह के गुरु घर की सेवा करनी अते उस तो बाद कार सेवा वाले बाबिया नाल सारा दिन शरीरक सेवा तन देही नाल निभाउण तो बाद सवेर शाम दा 1-2 घंटे दा सतनाम वाहिगुरु दा जाप भी उस तो ज़्यादा चढ़दी कला नाल करना बाबा जी की पहचान दा हिस्सा है। ए जो हुण चढ़दी कला ते मुस्कान पुलिस दे तशद्दुद तो बाद भी बरकरार है, तां ए ओ अकाल पुरख दी कृपा ते हुण तक दी नाम सिमरन दी कमाई दा हिस्सा है। आप हिसाब ला लेना कि इहनां दे जज्बातां दी तर्जमानी ते अगवाई बाजां वाला आप कर रहा है। पंजाब दी जवानी इसे तरह उस अकाल पुरख दी अगवाही कबूल करके चलेगी ते जित के ही परतेगी। अते दोस्तों इहना ते हौंसले अते सबर दी हर पासे वडियाई हो रही है। पुलिस ने इहना ते शद्दत ढाई, पर इहना ने उहना नू कुछ भी नहीं कहा। उहना ने इहना ते हमला कीता, पर इहना ने मुड़ के वार नहीं कीता। अते सोशल मीडिया उपरों इहना दे काफ़ी पोस्टर्स अते ड्रॉइंग्स भी बनाईयां जा रही हन। इस तों अलावा इहना दी चढ़दी कला दा सबूत लैणा है तां एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आओ पहलां ओह वीडियो वेख लैणे आ। जो हमारे को जो मर्जी मार दे, हम आपके हक्का के लिए जरूर लड़ेंगे, किसी से हम बार नहीं करेंगे। हम मरने वाली कौम नहीं। अते दोस्तों इस तरह ही एक रजिंदर सिंह सैणी नाम दे वीर ने साड़ी वीडियो हेठ कमेंट किया है। हालांकि उन्होंने नाम हर्षप्रीत सिंह है तो वह 15 साल के हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी को पता लग गया कि पंजाबी नाल पंगा लेना सौखी गल नहीं आ, पंजाब आ कोई बिहार नहीं। अते इस ते रिप्लाई करदिया तेजिंदर सिंह ने कहा कि फिर इंसाफ क्यों मांगते हो 84 का उस सरकार। जिस तो बाद दोवां दे विच 84-47 ते लाल किले नूं लैके काफ़ी सारियां गल्लां होईयां हन। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਾਇਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ।